कोरोना चैंपियन है, उनकी जर्नी कैसी रही, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आइए चलते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा स्क्रीन पर मिस्टर गौरव लवाटे जो लोनावला से हैं। सो गौरव जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड स्टार्ट योर कैमरा, आई एम पुटिंग यू ऑन स्पॉटलाइट। हेलो सर, बताइए आपके बारे में। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, मैं बेसिकली लोनावले से हूँ। मुझे 24 अप्रैल को कोरोना हुआ था, मेरी मम्मी को भी हुआ था, दोनों कोरोना हुआ था। तो हम लोगों ने क्या किया कि 3 दिन तक हम लोग घर में रहे थे। ओके। उसके अंदर क्या हुआ था, मेरा पहले HRCT स्कोर 2 था, मम्मी का 11 था। उसके बाद मेरा 3 दिन के अंदर मेरा स्कोर 7 पे गया और मम्मी का 15 पे गया। तो हम लोग को जरा कैसे एकदम डर लगने लगा था, क्या करना है। तो हम लोग हॉस्पिटलाइजेशन हुए कामशेट में। उसके बाद 9 दिन हम लोग हॉस्पिटल में थे। वहाँ पे हम लोग को रेमेडीज इंजेक्शन दिए गए, उसके बाद स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन दिए गए हम लोगों को। और जो कंजेशन था, हम लोग के कंजेशन सब हमारा टोटल निकल गया था वहाँ से। तो हाँ, हम लोग वहाँ से डिस्चार्ज हो गए थे। डिस्चार्ज होने के बाद कोई कैसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे पूरे टोटल, पर पूरे बॉडी वीकनेस थी। वीकनेस होने के कारण क्या हुआ था कि एक्चुअली हॉस्पिटल में ही मेरा ब्लड शुगर, मुझे डायबिटीज़ नहीं है। मैं महीने में एक बार तो मेरा लैब में टेस्टिंग कराता हूँ। तो हॉस्पिटल में जब हम लोग एंट्री हो गए, 2 दिन के अंदर मेरा ब्लड शुगर 550 तक गया। तो मैंने मेरा मम्मी का भी 550-600 तक उसका टोटल हाई दिखा रहा था। तो हम लोग, मैं डर गया कि पापा डायबिटीज़ मुझे नहीं है तो कैसे डिटेक्ट हुआ। तो एक्चुअल घर में आने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद भी मेरा डायबिटीज़ सेम था। तो मुझे जस्ट बुखार होने के कारण एक्चुअली बहुत पानी पीना पड़ता था मुझे, उसके बाद बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था। तो ये सिम्टम्स थे और बुखार था। तो मैं जनरल फिजिशियन के पास, जो है फैमिली डॉक्टर है, उनके पास गया। तो उन्होंने मेरा पहले ब्लड शुगर टेस्ट किया। ब्लड शुगर टेस्ट करने के बाद वहाँ पे इवनिंग में मेरा ब्लड शुगर 560 आया था उस वक्त। तो उसके बाद मुझे मालूम पड़ गया कि बाबा ये ब्लड शुगर के कारण हो रहा है। उन्होंने मुझे इंसुलिन चालू किया, दिन में 30 यूनिट्स एंड शाम को 30 यूनिट्स, ऐसे इंसुलिन चालू किया। तो इंसुलिन के बाद मेरा ब्लड शुगर थोड़ा 400-450 तक आने लगा। तो एक बार क्या हुआ, तो मेरे मम्मी को सिर में दर्द होने चालू हो गया। सिर में दर्द होना चालू किया, आँखों में दर्द होना चालू किया, और जो दांत थे, दांत में दर्द होना चालू किया। तो हम लोगों ने डेंटिस्ट को दिखाया, डेंटिस्ट क्योंकि उसको पहले दांतों का ऑपरेशन हुआ था उसका एक्चुअली। तो डेंटिस्ट ने उसके अंदर से पस वगैरह सब निकाला था। पस निकालने के बाद हम लोग फिर भी वो दर्द चालू हो गया। तो हमारे डॉक्टर ने जस्ट बोला कि ENT का आप सजेशंस ले लीजिए। तो हम लोग ने ENT सजेशन ले लिया। तो उन्होंने बोला कि आप MRI निकाल लीजिए। MRI में आपको, उन्होंने पहले एंडोस्कोपी से उन्होंने चेक किया, तो उनको एक ब्लैक स्पॉट डिटेक्ट हुआ वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आप MRI चेक कीजिए। MRI चेक करने के बाद उसको माइल्ड म्यूकोमाइकोसिस का फंगस डिटेक्ट हुआ था, मतलब तक माइल्ड हो सकता है ऐसे रिपोर्ट में दिखाया था उन्होंने। तो उसके कारण क्या हुआ, तो हमारे डॉक्टर्स ने इंजेक्शन कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रहे थे, इसलिए तो आई बिलोंग्स टू द मिलिट्री फैमिली, सो मेरे मॉम को मिलिट्री की फैसिलिटी थी, इसलिए हम लोगों ने कमांड हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया। वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह सब चालू है। तो इस बीच में क्या हुआ, मेरा शुगर भी बढ़ने लगा, तो मुझे भी डर महसूस होने लगा। तो कई मेरे डॉक्टर नांदेडकर साहब से हम लोगों ने कॉन्टेक्ट किया हुआ उसमें। तो नांदेडकर साहब हमारे मतलब फैमिली फ्रेंड ही है, या हम लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, जस्ट क्या कर सकते हैं सर सजेशंस के लिए। तो उन्होंने कहा शुगर कितनी है। तो उन्होंने, मैंने कहा कि मेरी फास्टिंग शुगर 350 के अराउंड मेरी शुगर है, अभी इंसुलिन ले रहा हूँ, और मम्मी का ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, उसका ऑपरेशन है नेजल थ्रू एंडोस्कोपी का ऑपरेशन उसका माइक्रोमाइकोसिस का है। तो उन्होंने क्या किया कि मुझको उन्होंने प्रोटेक्टिव 360 उन्होंने मुझे सजेशंस किया। तो मैंने तुरंत मेरे कलीग को भेज के प्रोटेक्टिव 360 लेकर मैं खुद हॉस्पिटल में मेरे मॉम को मैंने दिया। ओके, ये ऑपरेशन के बाद दिया आपने, पहले दिया? ऑपरेशन के पहले दिया मैंने, ऑपरेशन के पहले एक दिन पहले दिया। उस वक्त उन्होंने क्या किया था कि 3 टाइम्स उन्होंने लिया, और मॉर्निंग में उन्होंने एक बार वो प्रोटेक्टिव 360 लिया था। उसके बाद उसका उनका क्या हुआ कि शुगर लेवल उनका कि 250 तक आया था उनका, जो मम्मी का शुगर जो 400 था। तो मॉर्निंग में ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन के वक्त उनका 250 तक शुगर आ गया था। तो ऑपरेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, और ऑपरेशन तो क्रिटिकल है बहुत, डॉक्टर ने हमको बोला है कि बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है बोल के पहले वार्निंग दिया है। इसमें कुछ भी हो सकता है, आग जा सकती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है, मतलब मैं डराना नहीं चाहता हूँ, पर ये दिस इज फैक्ट।
फिर भी उन्होंने कहा कि अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने कहा कि मम्मी ने आपके बहुत सस्टेन किया, एक्चुअली उनका जो शुगर लेवल था, ये सब कॉम्प्लिकेशन जो थे, हार्ट के ओवर प्रॉब्लम्स होते, ब्लड प्रेशर था, वो कम हो चुका है, इसलिए हम लोगों ने हिम्मत की वो ऑपरेशन कर सके। और मैंने प्रोटेक्टिव 60 भी मैंने चालू कर दिया उस वक्त से ही। और आज मुझे 8 दिन हो गया है, आज मॉर्निंग के मेरी शुगर 120 है। इंसुलिन तो ले रहा है वे, पर इंसुलिन से भी ज़्यादा मुझे ज़रा इससे फ़र्क मुझे पड़ा है डॉक्टर साहब की दवाई से। ओके, तो जो आप जो बोल रहे कि आपको तो थकवा फील होता था, आपको वीकनेस फील होता था? वीकनेस भी मुझको अभी वीकनेस नहीं लग रहा है अभी फिलहाल की। और तब मैं इनके रेगुलर 3 टाइम में उनकी दवाई ले रहा हूँ, मम्मी भी हॉस्पिटल में इनकी दवाई ले रहे हैं, क्योंकि ये डर महसूस होता है माइक्रोमाइकल पोस्ट कोविड सब लोगों ने करना है एक्चुअली, क्योंकि ये क्या है कि और क्या क्या बीमारी निकलेगी हम लोग को मालूम नहीं। गौरव जी, लास्ट संडे मम्मी के आपका ऑपरेशन हुआ है, अभी मम्मी कैसी है आपकी? अभी मम्मी शी वाज पुट ऑन वेंटिलेटर, उसके बाद आईसीयू में थी, अभी आईसीयू के बाहर है, अभी नॉर्मल वार्ड में है, अभी बोल सकती है, खा सकती है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी फिलहाल के। वेरी गुड, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। और डॉक्टर ने कहा था कि मेरे हाथ से अभी जो ऑपरेशन हुए है टोटल, उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर 3 जनों की डेथ हो गई ऑपरेशन के अंदर। बराबर, उसके अंदर 1 जन 2 जन बच चुके हैं, और अभी बोले आपके मम्मी भी अभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, शी इज आउट ऑफ डेंजर, अभी उन्होंने कहा। अभी मेरे भी शुगर लेवल अभी फिलहाल तो ठीक है, 120 है, अभी दवाई मेरे चालू है। और वेरी गुड, डॉक्टर को रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर, क्योंकि मैं बाकी के लोगों को भी जो भी मेरे देख रहे हैं उनको भी मैं सजेशन लूंगा, बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ डायबिटीज, ये व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस क्यों हो रहा है, डायबिटीज के कारण हो रहा है, इम्यूनिटी कम होने के कारण हो रहा है। एंड और ये दवाई हेल्प कर सकती है आपकी डायबिटीज कम करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए। कोविड पॉजिटिव अभी बहुत सारे जन घर में रहकर इलाज ले रहे हैं, हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं, घर में भी हम लोग गोलियां खाते, प्लेटमेट खाते, आइवरमिस्टिन खाते, उसमें भी स्टेरॉइड्स होते हैं, उसके अंदर भी से भी आपकी शुगर लेवल बढ़ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन से भी आपकी शुगर लेवल डेफिनेटली बढ़ रही है। क्या उसके बाद हम लोग को ये कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं कि शुगर बढ़ने के कारण ये ब्लैक फंगस और वाइट फंगस हो रहा है, इसलिए शुगर पोस्ट कोविड में आपको सबसे पहला करना है कि शुगर मेंटेन करना है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि एलोपैथी आप ले रहे हो तो यू शुड ट्राई दिस ऑल्सो, क्योंकि ये बेस्ट प्रोडक्ट इनका है, इससे मुझे फ़र्क पड़ा है, इसलिए तो आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि बाबा आप लोगों ने ये चालू करके आपका शुगर लेवल कम करो, ताकि आपको कोई पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस ना हो। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, एंड जय गगनगिरी। जय गगन। और हम मैं सारे साथियों को जो आज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके प्रेयर्स रहे, ताकि मम्मी जी बहुत जल्दी घर पे स्वस्थ होके आ जाए, और आप भी जल्दी स्वस्थ हो जाए, ताकि आप उनका देखभाल करें। थैंक यू, थैंक यू गौरव जी, थैंक यू सो मच। और एक बात बताना चाहता था। हेलो सर। हाँ जी, यस यस गौरव। मेन बात क्या था सर, जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन डॉक्टर ने खुद 8 बजे मुझे कॉल किया और मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन था, मैं डर गया था। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मम्मी से भी बात की, और दैट वाज द मेन पॉइंट, उन्होंने इतनी हिम्मत दी, और वो हिम्मत के कारण वो ऑपरेशन थिएटर में जाते समय भी डरी नहीं। उनके वाइफ ने भी वो बात की और उन्होंने भी बात की, और दिस वाज द मेन कॉन्फिडेंस। आज लोग डर के कारण आज मर रहे हैं एक्चुअली, और डॉक्टर साहब ने हमको मोटिवेट किया पूरा, इसलिए तो आई वुड लाइक टू थैंक हिम आल्सो फॉर दैट। थैंक यू, माय प्लेजर, इट इज माय ड्यूटी। थैंक यू, थैंक यू। आपके पापा ने देश के लिए सेवा की है, ये हमारा सबका फर्ज है ना, एंड वी विल कंटिन्यू दैट। थैंक यू, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच गौरव जी, शुक्रिया। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। देखिए वक्त बहुत मुश्किल है, और लोगों की जो जर्नी है, लोगों का एक्सपीरियंस है, वो वही हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े कर देता है। और ये कोई सेल्स पिच नहीं है, ये उनका अनुभव है जो उन्होंने भोगा है। वो जब वो किसी को संजीवनी मिलती है और जब किसी की जान बचती है, तो उसके लिए कितनी खुशी है ये उनके चेहरे पे दिखता है। सो दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एक बार कोविड वॉरियर के लिए आप प्लीज़ फिर से एक बार चैंपियन टाइप कीजिए। जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, आप प्लीज़ चैंपियन टाइप कीजिए, 2 बार 3 बार टाइप कीजिए, आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ टाइप चैंपियन।